तो बच्चों वेलकम टू स्टडी इजी है और आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बच्चों क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उसके पीछे भी एक बहुत ही ज़रूरी रीज़न है बच्चों, क्योंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी तो कर लोगे लेकिन आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है बच्चों आपको एग्ज़ाम पूछा किस पैटर्न में जाएगा। डिटेल एनालिसिस की वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ, वीडियो का टाइटल रहने वाला है हाउ टू गेट 90% इन फिजिक्स। तो उस वीडियो, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो बच्चों प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपके लिए उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब बात कहाँ पर आती है बच्चों, आपको आज पैटर्न बताने वाला हूँ फिजिक्स का 2020 में जो एग्ज़ाम आने वाला है कि किस पैटर्न में आपसे जो है 80 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम होता है पूछा जाएगा। तो आज हम स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर उठाएंगे जो हमें ICSE वालों ने बोर्ड की काउंसिल की तरफ से हमें आया हुआ है बच्चों। तो उस क्वेश्चन को हम पेपर को देखकर एनालिसिस करेंगे किस तरह से आपको पेपर पूछा जाएगा। चलिए फिर बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या बताने वाले हैं आपको फिर से बता दें बच्चों, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर क्या बच्चों, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर आएगा उससे हम आपको बताएंगे पूरा का पूरा आपका जो पैटर्न रहने वाला है किस हिसाब से आपसे पूछा जाएगा। और जो चैप्टर वाइज एनालिसिस है हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर आप चाहते हैं हाउ टू गेट 90% इन फिजिक्स बच्चों। चलिए फिर देखते हैं आज। तो बच्चों देखिए कुछ इस तरह से आपसे ये जो है ये पूछा जाएगा। ये फिजिक्स स्पेसिमन क्वेश्चन पेपर है, साइंस पेपर नंबर ये 1 होता है। आपको जो आपका आंसर सीरीज होता है उसमें पेपर लिखना होता है तो 1 लिखेंगे, पेपर नंबर 1 होता है आपका, ठीक है बच्चों। तो ये कितने आवर्स का रहता है इसमें, ये कुछ गलत लिखा हुआ है बोर्ड की तरफ से, इसमें आएगा 2 आवर्स का ये पेपर है हमारा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा बच्चों। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, इंस्ट्रक्शंस आपके लिए ज़रूरी रहने वाली हैं। समझा देता हूँ आपको इंस्ट्रक्शंस भी बच्चों, आपके वैसे स्कूल वालों ने समझा दी होंगी लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको समझाना बच्चों। क्या है, आंसर टू दिस पेपर मस्ट बी रिटन ऑन द पेपर प्रोवाइडेड सेपरेटली। मतलब आपको जो आंसर शीट सेपरेटली प्रोवाइड करेंगे काउंसिल और जो बोर्ड वाले आपके स्कूल वाले, तो उस पर आपको लिखना है सारे के सारे आंसर्स। यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 मिनट्स। तो जो आपको फर्स्ट 15 मिनट देंगे वो आपको रीडिंग टाइम देगा, उसमें आप लिख नहीं सकते। दिस टाइम इज़ टू बी स्पेंट इन द रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर बच्चों। तो क्वेश्चन पेपर रीड करने में आपको ये टाइम जो है स्पेंट करना है। द टाइम गिवन एट द हेड ऑफ द पेपर इज द टाइम अलाउड फॉर राइटिंग द आंसर्स बच्चों। तो हेड ऑफ द पेपर में कितना टाइम दिया हुआ है, 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में आपको सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो देने हैं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें, चलिए फिर शुरू करते हैं। और इसमें क्या लिखा आपको, ये इंस्ट्रक्शन एक और दी हुई है पेपर की तरफ से, क्या अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन वन में से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन 2 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं बच्चों। सेक्शन 2 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं और जो मार्क्स हैं उनके हर एक क्वेश्चन के वो ब्रैकेट्स में दिए होंगे इस तरह से, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं फिर, आपको पता लग रहा है अब सेक्शन 1 में सारे के सारे क्या हैं, हमें कंपलसरी क्वेश्चन हैं। तो सेक्शन 1 में आपको सारे के सारे कंपलसरी क्वेश्चन हैं। सेक्शन 1 आपका कितने का आएगा, आपको दिख रहा है बच्चों सेक्शन 1 आपका कितने का आएगा, सेक्शन 1 आपका आएगा 40 मार्क्स का। तो सेक्शन 1 आपका जो है 40 मार्क्स का आएगा और इसमें से हमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, तो सारे के सारे कंपलसरी क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। चलिए फिर देख लेते हैं कैसा कैसा कुछ आता है इसमें क्वेश्चन। तो ये देखिए जो फर्स्ट इसमें क्या आएंगे, नियर अबाउट आपको बताते हैं हम क्या है इसका हिसाब, आपको इसमें बता देते हैं हम जो सेक्शन 1 है इसमें आपको अंदर में 4 क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों, 4 क्वेश्चंस। किस हिसाब से मिलेंगे वो भी आपको बता देते हैं, एक वाइट शीट ले लें थोड़ी सी, ये देखिए यहाँ पर बताते हैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए में बच्चों, किस में बच्चों, सेक्शन ए में पहले क्वेश्चन 1 रहने वाला है, फिर क्वेश्चन 2 रहने वाला है, फिर क्वेश्चन 3 रहने वाला है, फिर क्वेश्चन 4 रहने वाला है। तो वैसे कर आपको 4 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन में आपको कितने 5 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 कहीं में रहेंगे, कहीं में 4 रह सकते हैं, कहीं में 3 भी रह सकते हैं, यानी 5 या फिर 4 रह सकते हैं, 5 और 4 5 और 4, यानी इससे कम तो नहीं मिलेंगे, 5 रह सकते हैं। वैसे 5 का ही हिसाब सही रहेगा बच्चों आपके लिए, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 या 4 भी रह सकते हैं बच्चों, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, 5 या 4 भी रह सकते हैं।
जो क्वेश्चन थ्री है आप में उसमें कितने क्वेश्चन रह सकते हैं बच्चों, इसके अंदर भी कितने क्वेश्चन रहेंगे, पाँच क्वेश्चन रहेंगे, इसके अंदर भी पाँच क्वेश्चन रहेंगे। तो आप देख रहे हैं बच्चों टोटल क्वेश्चन आपके कितने बन गए, तो टोटल क्वेश्चन आपके कितने बन गए बच्चों, 20 क्वेश्चन बन गए। और जो ये 20 क्वेश्चन हैं इसमें से ईच ऑफ 2 मार्क्स, हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा, ये स्पेसिमन में बताया गया हमें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको हर एक पार्ट में, ये तो हमारा केस वन हो गया, ये हमारा केस वन हो गया बच्चों, ठीक है, 40 मार्क्स ऐसे हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3rd है और 4th है, उसमें आपको इसमें 4 क्वेश्चन पूछ लिए, इसमें 4 क्वेश्चन पूछ लिए, इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछ लिए, इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछ लिए, और ये जो 4 क्वेश्चन है इसमें तो 2 होंगे, ये 4 क्वेश्चन इसमें 2 जो होंगे 3-3 के होंगे और 2-2 के होंगे, ऐसा बच्चों हो सकता है। यानी कि टोटल जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और जो फोर्थ क्वेश्चन रहने वाला है, बड़े क्वेश्चन जो हैं, वो टोटल कितने मार्क्स के होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, और जिसमें से जो ईच का नंबर होगा, ईच कंटेन्स ईच ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है बच्चों। और ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो क्या रहने वाले हैं, कंपलसरी, या फिर आप कह सकते हैं हमें सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, ऑल अटेम्प्ट, इसमें आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते बच्चों। और ये ज़्यादातर सारे जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके, या तो वन लाइन होंगे, या तो बच्चों ये वन लाइन होंगे या फिर वन वर्ड होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए फिर अब फिर से डिटेल एनालिसिस करते हैं हम क्वेश्चंस की। आगे आपको क्वेश्चन वन दिख रहा है, इसमें क्या पूछा गया, इससे इन्होंने कहा दो दो क्वेश्चन के आपको कितने पार्ट दे दिए, 5 क्वेश्चन दे दिए, 10 नंबर का आपका पहला पार्ट बन गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन वन कितने मार्क्स का बन गया, 10 मार्क्स का। आप देखिए कितने कितने ईजी हैं यार, क्लासीफाई द 2 into कंडक्ट, और ये देखिए ये यार आपका एक क्वेश्चन कितने मिनट में होना चाहिए, ये भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम कितना लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट की बात कर लें, वैसे मैं इसकी एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, हाउ टू गेट 90% इन फिजिक्स, टाइम मैनेजमेंट। तो यार जो सेक्शन वन है, सेक्शन ए जो है, उसको आपका बहुत ही मुश्किल से कितने टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल से आपको कितना लगेगा, 35 मिनट, या आप कह सकते हैं 40 मिनट। 40 मिनट से आपको ज़्यादा जो है नहीं लगाना है, ये मैक्सिमम टाइम है बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, 40 मिनट से ज़्यादा आपको इसमें टाइम नहीं लगाना है, ठीक है बच्चों। वैसे आप 30 का अगर लगाकर चलेंगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन 40 से मैक्सिमम नहीं लगाना है, मैक्सिमम टाइम 40 मिनट्स। देखिए फिर आगे क्या आएगा, आपको ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन कितने का आएगा बच्चों, 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का। इसमें भी आपसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बच्चों अगर आप देखेंगे, देखिए 3rd क्वेश्चन भी है, इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और ये क्वेश्चन 5 भी कितने मार्क्स का हो गया बच्चों, 10 मार्क्स का हो गया। फिर आपसे पूछा गया बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर भी कितने मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का। तो आपको पता क्या लगता है कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आए, 1, 2, 3, 4, जो ये चारों के चारों क्वेश्चंस हैं ये टोटल मार्क्स कितने के हैं, ये 40 मार्क्स के हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब आता है बच्चों सेक्शन बी। सेक्शन टू में, ये सेक्शन बी में क्या होता है, ये भी 40 मार्क्स का रहता है, लेकिन इसमें से आपको चॉइस आती है बच्चों, इसमें से आपको चॉइस आती है, कितने की चॉइस आती है बच्चों वो हम आपको बता देते हैं। तो जो सेक्शन बी रहता है
उसमें से आपको चार क्वेश्चन बच्चों जो है अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, ध्यान बच्चों, चार क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, किसमें से, छः में से कोई भी हमें चार करने होते हैं बच्चों, छः में से हमें कोई भी चार करने होते हैं, समझ आ रहा है बच्चों आपको, अटेम्प्ट फोर क्वेश्चन फ्रॉम सिक्स क्वेश्चन, फ्रॉम बच्चों सिक्स क्वेश्चंस, तो छः में से हमें चार करने होते हैं, कोई भी चार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बच्चों क्या पैटर्न फॉलो होता है, वही जो मैंने आपको बताया था, इसमें तीन क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, और पांच तो नहीं आएंगे, ये आ सकते हैं। जैसे अगर तीन क्वेश्चन आए एक क्वेश्चन में, समझ लीजिए एक क्वेश्चन में, पार्ट में तीन क्वेश्चन आए, तीन क्वेश्चन आ गए, तो कितने के आएंगे बच्चों, एक तीन का एक चार का, अगर इसी एक क्वेश्चन में अगर एक दो तीन चार आ गए तो तीन तीन दो दो, और इसी में ही अगर बच्चों दो आ गए एक क्वेश्चन में, अगर आपको दो आ गए एक दो, तो पांच पांच के भी आ सकते हैं, ये बहुत ही रेयर होता है अगर पांच पांच के आ जाए तो। यानी इसमें भी एक क्वेश्चन जो रहने वाला है हमारा, हर एक क्वेश्चन वो कितने का रहने वाला है, 10 मार्क्स का, और कोई भी इनमें से आपको चार जो है अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है बच्चों, छह में से आपको चार कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपका ये थोड़ा सा पार्ट होता है, ये थोड़ा सा आपको बता दें हम, थोड़ा सा लेंथी होता है, अब बिट लेंथी, तो इसको आपको जो बच्चों टाइम लगेगा, टाइम वो आपको आराम से 60 to 70 मिनट्स लगेंगे, 60 to 70 मिनट्स रहेंगे, और जो आपके 15 मिनट बच जाएंगे, 15 से 10 मिनट बच जाएंगे, तो वो आप किसमें, रिवीजन में, अपने पेपर को रिवाइज करने में आप स्पेंड करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको और भी जो चैप्टर्स के आपको जो है ये चाहिए सैंपल, यानी जो आई सैंपल पेपर जो भेजता है ICSE स्पेसिमिन पेपर्स, और आप भी चाहते हैं जानना क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो कि 2020 में आना चाहता है, तो कमेंट कीजिएगा आज ही। चलिए बच्चों, बाय बाय फिर।